थैंक यू। तो मैंने बताया था ना कि हम एक चीज़ के लिए परफॉर्मेंसेस प्रिपेयर कर रहे हैं, वो चीज़ पता है क्या है? वो चीज़ है एनुअल फंक्शन। तो उसी की प्रिपरेशन चल रही हैं और अभी मेरे ख्याल से 50% परफॉर्मेंसेस आर डन और जो बाकी हैं वो हमें प्रिपेयर करनी है अभी। प्लस जो आज परफॉर्मेंसेस हो गई हैं उनकी आज मैं वीडियो बनाने वाला हूँ ताकि हम टीचर्स की ड्यूटी लगा सकें और वो प्रैक्टिस कराते रहें उनको। तो एक बार स्टेज सेटअप कर लेते हैं। तो एक्चुअली जहाँ पे हमारा ये एनुअल फंक्शन होने वाला है वहाँ का स्टेज लाइक 50 फुट का है। तो मतलब 50 फुट से ज़्यादा है, हम यूज़ कर रहे हैं 50 फुट है, तो वो 80 फुट का, बट उसके बीच में काफ़ी सारे मतलब स्पीकर का स्पेस भी आ जाता है और पोडियम का स्पेस भी आ जाता है, तो वो रिड्यूस करके, वो कट करके हमारे पास बचता है 50 फुट। उसके अकॉर्डिंग हमें प्रैक्टिस भी करवानी पड़ेगी। तो अभी मैंने अरेंज कर लिया है 50 फुट का स्टेज, नंबरिंग मैंने कर दी है, सेटअप कर दिया है। अब थोड़ी देर बाद बच्चे आएंगे, फिर उनके साथ प्रैक्टिसेस करते हैं, उनको पोजीशंस बतानी पड़ेंगी कि इतना जो ज़्यादा स्पेस है वो कैसे यूज़ करना है। ह्यूज स्टेज मैन, ह्यूज स्टेज। तो यहाँ से स्टेज शुरू होता है और ये वहाँ तक जाता है। एनुअल फंक्शन की प्रिपरेशन करते टाइम फ़न तो होता ही है बहुत सारा, और प्लस आप नई नई चीज़ें सीखते हो, यूज़ करते हो प्रॉप्स नए नए, तो मेरे को तो बड़ा मज़ा आता है एनुअल फंक्शन प्रिपेयर करने में, क्योंकि आपके पास सिर्फ और सिर्फ यही है उस टाइम पे करने के लिए, पूरा फोकस सिर्फ एक ही चीज़ पे, एनुअल फंक्शन पे। तभी मेरी आजकल ज़्यादा वीडियोस नहीं आ रही हैं, क्योंकि मेरी क्लासेस तो एक्चुअली ओवर ही हो चुकी हैं बेसिकली, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम्स भी थे प्लस स्टडीज़ भी हैं, तो टाइम डिवाइड हो चुका है, प्रैक्टिस का टाइम अलग है और स्टडी का टाइम अलग है, क्योंकि यही करना पड़ता है, अदरवाइज़ उनकी स्टडी भी सफ़र करेगी और हमारा मतलब फंक्शन भी सफ़र करेगा। तो इससे बेटर है कि टाइमिंग्स डिवाइड करके प्रैक्टिसेस करवाई जाएं। फंक्शन में दिक्कतें तो काफ़ी आती हैं। चलो भाई, खाना वाना खा लिया हमने, लास्ट एक टी टाइम हम स्पेंड कर रहे हैं, उसके बाद तो फिर कौन दिखेगा, किसका मुंह दिखेगा, कैसा दिखेगा पता नहीं, क्योंकि प्रैक्टिसेस इतनी ज़्यादा हो जाएंगी अब। चलो प्रैक्टिसेस पे मिलते हैं। यस रेडी। अभी प्रैक्टिस करके मैं हटा हूँ, हालत ख़राब है बट मज़ा आया प्रैक्टिस करवा के। जो म्यूज़िक सिस्टम है वो ऑफ़ करते हैं, चलते हैं यार। अपने रूम में आके इतना अच्छा लगा है ना, बता नहीं सकता, मैं रियली टायर्ड। टाइम इज़ 1:53, आफ्टर 15 मिनट्स घर चलते हैं। अब आराम करने बैठा ही था, फिर मैं सोचा कि क्यों ना बाबू को होमवर्क करवा दिया जाए। व्हाट डू यू कॉल अ बेबी डॉग? डॉग के बेबी को क्या कहते हैं? डॉगी बेबी को पप्पी। पप्पी। पता है मेरे को वीडियोस बनाने का एक नया आइडिया आया। क्या आइडिया आया? आइडिया आया है कि मैं ना एक स्टोरी बनाया करूं। मैं स्टोरी लिखता हूँ, ठीक है, और फिर उनको रिकॉर्ड करता हूँ। मेरे को बताना कैसा लगेगा, अभी तो खैर व्लॉगिंग ही कर रहा हूँ मैं, बट जल्दी ही मैं स्टोरीज डालना स्टार्ट करूँगा। व्हाट डू यू कॉल अ बेबी कैट? बेबी कैट। कैट के बेबी को क्या कहते हैं? बाबू का होमवर्क कंप्लीट हो गया है, अब मैंने इसको ये ड्राइंग बना के दी है,
और ये कंप्लीट कर रहा है, इसमें कलर फिल कर रहा है। मैं स्कूल से आते आते ना कुछ फाइव पैकेट्स 1 2 3 4 5 नहीं यहीं पे दिखाता हूँ। मैं स्कूल से आते आते ना कुछ चीज़ें लाया था जो मेरे को ट्राई करनी थी। मैं देखता हूँ बच्चों को आजकल खाते हुए, तो इट्स नॉट जस्ट फॉर मी, मैं ट्राई कर रहा हूँ आपके लिए और मेरे बच्चों के लिए। नाउ कैच। तो हल्दीराम का ये फ्रेंच वनीला नाम नई कोई चीज़ आई है, तो पीलोज इसका नाम है पर फ्रेंच वनीला इसका फ्लेवर है, तो ये ट्राई करेंगे। एक तो एक मैंने ये हल्दीराम का ना ये मसाला वाला जो है मस्त मसाला फ्लेवर चिप्स, ये ट्राई नहीं किया कभी, तो आज मैं ये भी ट्राई करूँगा। ये मैंने खाया हुआ है, ये मैंने यूं ही ले लिया था क्योंकि बाबू को पसंद है तो। एंड दिस वन लेज सिजलिंग हॉट, ये मैंने ट्राई नहीं किया बट बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है ये बहुत ज़्यादा बच्चों में, तो मैं आज सबके छोटे छोटे पैक्स लाया हूँ ताकि मेरे को पसंद नहीं आए तो ज़्यादा मेरा पैसा बर्बाद ना हो। दूसरा पोर पाची, और एक ये नया फ्लेवर आया है हॉट एंड स्पाइसी कोरियन स्टाइल बिंगो 2x स्पाइसी, तो पता नहीं कितने स्पाइसी फ्लेवर्स निकालते हैं बट स्पाइस इनमें होता नहीं है, तो ये भी ट्राई करेंगे। तो भाई सबसे पहले यार कोई कुछ होना चाहिए बैठने का ना, वो ले गया। तो मैंने ओपन कर लिया, ये स्मेल तो काफ़ी अच्छी है वनीला वाली है जो उसने है, फ्रेंच एंड वनीला। ये थोड़े छोटे छोटे बिस्किट से हैं, ये चॉकलेट्स में आते थे मेरे ख्याल से किसी चीज़ में, मैं याद नहीं कर पा रहा उसका नाम। आगे देख आई जरा कैसा है? अच्छा था। मैं पूरा खाऊंगा। पूरा खाएगा? टेस्ट काफी अच्छा है, मेरा बार बार खाने का मन कर रहा है अब। खा दो मुझे भी। पर बात तो क्या है, मीठा बहुत ज्यादा है, 4-5 खा पाऊंगा मैं, इससे ज्यादा नहीं। तो पहली बार बैठने का काफी प्रॉब्लम हो रहा था, पैर दर्द करके आ रहे हैं ऐसे बैठ बैठ के। पहले तो मैं यहाँ पे बेड पे बैठ जाता था, उसका सपोर्ट ले लेता था। खाने में ज्यादा मजे आ रहे हैं, है ना? अच्छा तो है, याद नहीं आ रहा मेरे को ऐसा कुछ मैंने खाया तो है पहले। अब हम ट्राई करने जा रहे हैं बिंगो 2x स्पाइसी। पानी की बोतल ले आता हूं। इधर आ मेरे पास खड़ा हो इधर आ। इसको तो पसंद आ गया, ये खा गया पूरा, मतलब इसका फेवरेट हो गया ये। मैंने वैसे ये बिल्कुल छोड़ा हुआ है फास्ट फूड एंड ऑल, मैंने कसम भी खाई थी, शपथ ली थी इस नाम की, ना कोल्ड ड्रिंक पीऊँगा, ना मैं चिप्स खाऊँगा, ना मैं मोमोज खाऊँगा। मोमोज तो खासकर नहीं खाऊँगा, चिप्स के लिए मेरा कोई वादा नहीं हुआ था वैसे, बट मैंने एक तरीके से फास्ट फूड छोड़ दिया था। ये मैं खा जो रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। खोलते ही स्पाइसी फ्लेवर वाली एक स्मेल आई है मेरे को, तो अब हम ये ट्राई करने जा रहे हैं। चलो 3 2 1 स्टार्ट। बिंगो, बेस्ट वर्क भाई, बेस्ट वर्क। अगर किसी को कोई स्पाइसी चिप्स खाना है ना, बिंगो 2x स्पाइसी हॉट एंड स्पाइसी कोरियन स्टाइल, बेस्ट यार, बहुत ही बढ़िया। इतना स्पाइसी नहीं है पर बाकी चिप्स से है, पता नहीं कैसी शिक्षा दे रहा हूँ मैं इसको। पानी पी लो और भी। नेक्स्ट चिप्स ट्राई करने से पहले मैगी खा रहा हूँ ताकि वो फ्लेवर मिक्स ना हो। नेक्स्ट वन इज सिजलिंग हॉट बाय लेज, इसका सीधा कंपटीशन है बिंगो से, उसके मुकाबले इसके चिप्स थिक हैं काफी। चलो भाई ट्राई करें। चीयर्स चीयर्स ऐसे करते हैं। चीयर्स। ये क्या वो पर निकला? मिर्ची नहीं है? मिर्ची नहीं है ना? मुझे लगी मोय हो गया इसमें। जैसा नाम है इसका वैसा तो ये चिप्स बिल्कुल भी नहीं निकला है, सिजलिंग हॉट। इसके थिक चिप्स की वजह से ना मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है खाने में बट स्पाइसी नहीं है। अब हमने लेज का ना मस्त मसाला काफ़ी खाया, इंडियन मसाला सॉरी। अब ये हल्दीराम का मस्त मसाला, सेम पैकेजिंग सी है, मतलब लेज का जो ब्लू आता है और इसका जो ब्लू आ रहा है सेम।
पर आपने जैसे नोट किया होगा ना, जो लेस का ब्लू चिप्स है ना इंडियन मसाला वाला, वो चेंज हो चुका है उसका टेस्ट। वो पहले जो ओल्ड स्कूल आता था ना भाई साहब, माय फेवरेट, बेस्ट इन द गेम, बट वो टेस्ट ना चेंज कर दिया उन्होंने, अजीब सा टेस्ट कर दिया अब लेस वालों ने। तो उसके मुकाबले तो यार काफ़ी अच्छा टेस्ट कर रहा है ये, थोड़ा गार्लिक की ज़्यादा क्वांटिटी है बट नाइस फ्लेवर। ये तो आपको पता ही है स्नैक लाइट, ये कौन नहीं खाता भाई, ये सबसे हल्का सा, इतने 10 रुपये के पैकेट में इतने सारे आ जाते हैं ये, मतलब ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं है, कम स्पाइसी भी नहीं है, मीडियम फ्लेवर, बढ़िया, बस खाते रहो, कोल्ड ड्रिंक पीते रहो, मतलब वो तो मैंने छोड़ दिया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मज़ा आ गया यार। वैसे मैं चिप्स वगैरह खाता नहीं, बस वो वीडियो के लिए खाया मैंने, मेरा तो मन भी कर रहा था चिप्स खाने का। हिमांशु को मत बताइयो ठीक है, अगर हिमांशु को बताया तो ना कि मैंने चिप्स खाए इतने सारे, फिर याद रखियो। 6:10 हो गए, मेरी क्लास का टाइम हो चुका है, बिंगो फिनिश करके चलते हैं। थ्री पैकेट्स फिनिश कर चुके हैं, दो पैकेट बाकी हैं, इनको हम शाम को निपटाएंगे। चलो भाई क्लास चलते हैं, लेट ना हो जाए हम। नए सॉन्ग का नाम है ओ हो 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 ओ हो हो हो। अभी मैंने इनको नया सॉन्ग स्टार्ट करवाया है, ओ हो हो रिमिक्स, ओ हो हो हो।